तेजी से बोलो, क्या नाम है? सैयद अहमद। चोरिया काम कब से कर रहे हो? अभी शुरू किए हो आप? शुरू शुरू में ही 5 चोरी कर दिए। उम्र कितनी हुई है? 54 साल। 54 साल की उम्र में चोरी का मन में कैसे आया? पैसे की परेशानी होगी तो काम नहीं चला, हर आदमी चोरी कर देगा। तो हर आदमी गरीब है इस देश में, तो हर आदमी चोरी शुरू कर देगा, हर आदमी चाकू मारी शुरू कर देगा, हर आदमी लूट शुरू कर देगा, ऐसा ना? नहीं। कब से चोरी शुरू की है? 5-6 महीने। 6 महीने कहाँ कहाँ चोरी की है? सर 3-4 महीने पहले आए थे थोड़े। रहने वाले कहाँ के हो? रो मत, कोई बहुत इतना काम नहीं किया, भोपाल से यहाँ आए हो चोरी करने के लिए और मुझे दिखा रहे हो रोके। भोपाल से आए तो भोपाल से तुम्हें यहाँ आने के किसने बताया कि यहाँ आना है? ऐसे आए थे काम के चक्कर। काम के चक्कर? किस काम के चक्कर में? कपड़े के चक्कर, फेरी लगाने। अब फेरी वाले यही काम करते हैं, फेरी लगाने आए हो गए, ये काम किए हो गए। सब तो नहीं करते, काफी अच्छा फेरी काम भी करते हैं, तुम्हारे जैसे दुष्ट लोग होते हैं। तो फेरी तुम काम करने आए, फिर तुम्हें चोरी का मन में कैसे आया? कैसे की परेशानी आई तो वहाँ से मन बना के आए थे कि फिर चोरी करने निकले हो कि फेरी के काम पे निकले? एक बार यहाँ काम काले थे तो दिल में डाला जा गया, दिल में डाला जा गया, चोरी शुरू कर दिए। पहली चोरी कहाँ की है? उसमें किए थे। तो तुम बताओ, तुम तेज लड़के लगे हो, मास्टर माइंड तुम ही दिख रहे हो। उधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हुसैन। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले थे। एक बिहारी और एक मध्य प्रदेशी की दोस्ती कैसे हुई? ओहो, रिलेशन में है। तो तुम क्या काम करने के लिए आए बिहार से? कपड़े बेचते हैं। तो ये पहले आए, तुम पहले आए यहाँ? साथ में आए। कहाँ मिले तुम दोनों? पहचान हुई, कपड़े बेचते थे। कहीं मिले हो गए पहली बार? कहाँ मिले थे? भोपाल में मिले। भोपाल से यहाँ आए, ट्रेन पकड़ के आए। पहले भी कभी चोरी का काम करते थे? पहली बार शुरू किया तुम लोगों ने। कहाँ कहाँ चोरी किया? पहला दुर्ग में किया, गुरुद्वारे के पास किया। कितने लाख की चोरी की? 2 लाख रुपए की। कैसे चोरी की है? ताला तोड़ के। सामान उमान कैसे? ये सब सामान कहाँ से खरीदे? ताला तोड़ने वाला हार्डवेयर की दुकान से कर ली है। कितने बजे रात में चोरी करते हैं तुम लोग? 9 बजे। 9 बजे तो काफी भीड़ भाड़ रहती है। 8-9 बजे चोरी कर लेते थे तो रेकी करते थे, सीधा चोरी करते थे, सीधा चोरी, लॉक दिखा घुस गए अंदर। कितने लोग थे? दो आदमी मिलके। यार खतरनाक चोरी है तुम लोगों की। तो कैसे चोरी करते थे बताओ जरा? जैसे पहला घर था वो क्या, 1 फ्लोर का था 2 फ्लोर का था? 1 फ्लोर का था। तो क्या किए तुम लोग? ताला तोड़ के अंदर घुसे। अंदर क्या क्या चोरी किए? पैसे और ज्वेलरी। पैसे कहाँ है, ज्वेलरी कहाँ है, कैसे मालूम चला तुम लोगों को? अलमारी में ही मिल गई। लोग इतने लापरवाह है, अलमारी में कोई लॉक वॉक नहीं था? थोड़ा लापरवाह लोगों को भी देखो, लॉकर में ही, खुला लॉकर में रख रहे हैं, सोचा कहीं और छिपा के चले जाए। जब लॉकर में ही रख रहे, लॉकर बंद नहीं था क्या? अलमारी था बस। आराम से चोरी कर। कितना टाइम लगा चोरी करने में? देखो 1.5 घंटे में 2 लाख की चोरी हो गई। सब चोर 1.5 घंटे में कर लेते हैं। और आप क्या कर रहे थे उस टाइम चोरी के टाइम? चौकीदार उम्र भी है 54 साल, कोई डाउट भी नहीं करेगा। जोड़ी है इसकी उम्र ज्यादा है, इसको कोई डाउट नहीं करेगा। खुद फान नहीं सकते हो, सब कुछ तो कर ही देते हो चोरी में। खुद फान की आवश्यकता, खुद फान के लिए है ना खुद फान एक्सपर्ट, लॉन्ग जम्पर। हाँ, एक चोरी वहाँ किया, उसके बाद दूसरी चोरी वही मिले थे सर, उसमें कुछ नहीं मिला, खाली निकल गया, 0 अटेम्प्ट हो गया, नील अटेम्प्ट। वहां पे कितने बजे किए थे? ये देखिए जुगल जोड़ी इनकी, कैसे साइकिल में जाया करते थे राम लखन। तो फिर दूसरी चोरी ट्राई करी, उसमें कुछ मिला नहीं। वो कितने बजे किए थे? वो भी सब शाम में करते थे। अच्छा है, उस टाइम फार्म में। तीसरी चोरी कहाँ की है? दुर्ग में। दुर्ग को तुमने अलग प्यार बहुत बचता, वो दुर्ग में कहाँ की है? मोहल्ले में की है। वहाँ कितने की चोरी की है? बहुत है, जहां मत करना पड़ा, ये खरीदना भी पड़ा उनको।
हार्डवेयर में जाके वहाँ के बाद ये लोग फीडबैक लिए कि हम चोरी में क्यों असफल हो रहे हैं, तब उन लोग बड़े बड़ी चीजें खरीदे। चौथी चोरी कहाँ की है? नेहरू नगर को भूल गए। नेहरू नगर तो फ्री का माल है, उसको समझे ही नहीं तो कोई चीज है। अब मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ये खाली वो खाली, लोगों के घर खाली करने वाले लोग हो तुम लोग, और खाली खाली कर रहे हो। कितने चोरियां सफल हुए? नहीं नहीं नहीं, सफल तो एक ही बता रहा है तो नहीं नहीं, उसमें बाहर अभी चौथी जो दिखाई थी उसमें 12,000 रुपए 12,000 रुपए तो मान ही नहीं रहे थे। 12,000 मान ले क्या है, वो तो लाखों की चोरी करने वाले लोग हो। हाँ, तो 5 महीने से चोरी का काम करते थे। चोरी का टाइम तो रात का पार्ट टाइम का काम है, आधा एक घंटा का, बाकी टाइम क्या करते थे? रुके हुए कहाँ थे तुम लोग? कसाई मोहल्ले में। किसके यहाँ? किराने की दुकान। नाम क्या है मकान मालिक का? जिस दिन लिए तो उसी दिन। अरे मेरे 5 महीने के खुले में रहे थे तुम लोग? नहीं नहीं, चले गए थे। आते थे साथ चले। चोरी की तो सफल चोरी के बाद होटल में, सफल चोरी के बाद वापस जाते थे। असफल चोरी के बाद तो सफलता तक इंतजार करते होंगे ना यार, बिना सफलता के तो जाते ही नहीं होंगे। होटल में रुकते थे। कितनी बार भोपाल से यहाँ आए? दो बार आए। पहली बार आए तो 2 लाख की चोरी करके गए। वहाँ कौन से होटल में रुके थे? नाम बताओ, नाम मालूम चल जाएगा। देखो राधा लॉज। तो राधा लॉज में अपना आईडी प्रूफ दिए थे? वो चेक कराए जी, रजिस्टर में एंट्री सर। तो आधार कार्ड सब सही दिए थे? कोई डर नहीं। और दूसरी बार आए तो कितना? होटल में सर 15 कमरा के लिए कोई दस्तावेज सब दिए थे? मांगा ही नहीं, इतने अच्छे मालिक कुछ मांगा ही नहीं, घुस गए अंदर। मकान वाले पूछा नहीं कहाँ के रहने वाले हो, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, कुछ नहीं मांगे। शक्ल देख के लग गया होगा इतने फरीब लोग। ऐसे मकान मालिकों के ऊपर आपने नोटिस दिया है मकान मालिक को? महिला है सर। अरे महिला को कोई बुलाया था कब से? यार महिला को कानून में कोई अलग सी छूट है कि महिला जो है चोरी करवा सकती है, वो कुछ भी डकैती करवा सकती है? उसके लिए भी नियम है ना भाई, महिला को भी नोटिस दे। ठीक है, कोई लिखित नोटिस दे, क्योंकि ऐसे लोग ही रुकवाते हैं और फिर ऐसे लोग घूम के चोरी करते हैं। सेकंड हैंड साइकिल भी खरीदा था कैंटीन। कहाँ से साइकिल खरीदा? साइकिल दुकान वहाँ, हर दिन रिपेयरिंग के नाम से छोड़ देता था, इसमें ये खराब करता, शाम को ले जाता था। कैसा रहा चोरी का एक्सपीरियंस? अरे कि ये तो पहले भी हो गया, जिस मॉडल ऑफ अप्रेंटाइज है और जिस कॉन्फिडेंस से तुम लोग कर रहे हो, ये बात है कि दुर्ग पुलिस का पानी फूट नहीं किया, सेवा नहीं हुई तुम लोगों की ठीक से। सेवा हुई है, हमारे देश का संस्कृति ऐसा है। हम तो सबका क्रिमिनल हो या सबके साथ प्यार क्या संबंध रखते हैं, लेकिन तुम लोग काम गलत करते हो ना। बताओ इस इतने बड़े हथौड़ों से तुम लोग, अरे यार कितना भारी है, इसको लेके चलता कौन था? इतनी में चार तत्काल खरीदेगा सर, दोनों टूट ही नहीं जाता दरवाजा। हम उसका प्लम्बर का काम करते हैं, कभी जाके हार्डवेयर में खरीदा सकता है। तुम उठाते थे? ये उठाता था ये चारों पांचों को बैग लेके चलता था। बैग लेके इसका वीडियो क्या वीडियो है ना? वीडियो के सीसीटीवी मिला? जी जी, उनके दीवान। अरे भाई क्या कॉन्फिडेंस चाल है, फिल्म एक्टर दिखते हैं दोनों। देखो इसका वीडियो भी देना है, उसको ग्रुप में डाल दो। वीडियो में तो कहीं से बुजुर्ग दिखता नहीं है, कॉन्फिडेंस ये भी बैग टांगा हुआ है पीछे। देखो तुम्हारे बैग में क्या है? कपड़े लेके जाते थे, तुम कोई पकड़े नहीं मोहल्ले वाले, पिटाई उटाई नहीं किया तुम लोगों की? हाँ, इतना मासूम सा चेहरा है, ऐसे ही रोटी सूरत बना के घूमते हो गए। 54 साल की उम्र है, लोगों को लगता होगा बुढ़ापे में बाबा कहाँ चोरी करेंगे, लेकिन बाबा तो खतरनाक है।
और आपकी मुझे क्या आग दिखा रहे हो यार, मुझे खा जाओगे क्या तुम? ये आग दिखा रहे हो, एक तो दो नंबर का काम करते हो, चोरी करते हो, घूम घूम के पांच जगह घुस गए। पैसे को क्या किए पैसे तुम तो बीमार हो, ये कौन सा बीमार है? कहाँ बहानी कहानी सुनाते हो बीमार है? घर में क्या खर्च किया? हाँ गाड़ी सर, कौन सी गाड़ी? गाड़ी बस अच्छा है, लोन लो, ब्याज ज्यादा हो तो चोरी कर लो, ये भी अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, गहने वाला कहाँ बेचा? इससे पहले कभी, इससे पहले कभी जेल गए हो? गहना कहाँ बेचे? एस पी साहब गहने वाला भी पता है, पीछे हैं मेरा वीडियो देखे हो कभी? नहीं देखे हो तो अच्छा। तुम भाई नहीं तो सर वो सिनेमा से नहीं होता। कोई बात नहीं, पहली बार फुलका वीडियो बन गया अपना। ये कीपैड मोबाइल जल्दी यूज करते हैं, बहुत तेज चलाने लोग हैं ये लोग। करेंसी भी देखो तो बाहरी करेंसी भी रखे है, लीमा। ये तो कहाँ करेंसी है? ये तो मुझे दुबई उबई लग रहा है मुझे। वही जहाँ चोरी किए वहाँ मिले सर, नेहरू नगर के लोग बाहर जाते हैं तो बच जाते हैं। अरे भैया मलेशिया का है, मलेशिया लोगों क्या चोरी किए? फ्रांस का है, ये सब का सबको भंजाया नहीं क्या? क्यों डट? अच्छा है, 50 फ्रैंक है और ये $50 है, रिंगिट है 50। ये सब बाहर का सिक्का भी है, दिनार विनार लग रहा है मुझे। चांदी के? जी चांदी के सिक्के। ये कहाँ से चोरी किए? कहाँ? जिसमें से 2 लाख वाले? 1,30,000 वाले। सबसे बड़ी चोरी कहाँ कर रहे सर? ये तो बहुत होंगे माने हैं तो चोरियाँ, क्योंकि उसमें पकड़े गए आपको देख के छाती लगनी है ये लोग, और सीसीटीवी खंगालेंगे तो और बहुत में निकलेंगे। एक तो बड़ा हाथ मारने उसका क्या था हवा, एक बड़ा भी है वो बताएंगे। कहीं किसी घर में घुसे वक्त कुछ बहुत सारा पैसा भी दिखा कभी? अरे चेहरे चमक आ गई पैसा सुनते ही। हाँ क्या चीज़? तभी झंड नहीं आते थे, कहाँ जाते? करते ही नहीं सकते, तो दुबई चले जाते तो सही हो, तुम भी डॉन बन जाते है। डॉन भी बनने लगे, क्या बनना है? यहाँ आप देख सकते हैं ये दो चोर, एक बिहार निवासी और एक मध्य प्रदेश निवासी, लगातार पिछले 6 महीनों से दुर्ग में घूम घूम के अलग अलग जगह पर चोरी कर रहा था। 2 चोरी में संलिप्तता मानी है और 3 जगह घर में घुसने की बात मानी है, लेकिन निश्चित रूप से इसके द्वारा और भी बहुत ज्यादा चोरियां की गई होंगी तो ये लोग मान नहीं रहे, और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ज्यादातर चोरियां इनके द्वारा 7 बजे से 9 बजे के रूप में की जाती थी। मॉडस ऑपरेंडी साइकिल वाला बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि साइकिल में चोर आ रहे हैं, जिससे कि लोग डाउट ना करें। एक इन्होंने बुजुर्ग को चुना है 54 साल के, जिससे कि उसके आसपास वाले मोहल्ले वालों को डाउट ना हो। जो फेरी वाले आते हैं हर जगह फेरी लगाते हैं, लगातार इसकी भी शिकायतें आ रही है कि फेरी वाले जो हैं वो भी चोरी के काम में संलग्न हैं। सारे फेरी वालों को भी नोटिस दें भाई, कोई भी फेरी वाला बिना थाने को इन्फॉर्मेशन के इस तरह का काम ना करे। और कहीं ना कहीं घर में जो लोग रुक रहे हैं रेंटर, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के लोगों को रख रहे हैं, वो भी अपने आप में चिंता का विषय है। एक पॉजिटिव चीज ये है कि जैसे जैसे हम सीसीटीवी का पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे, सीसीटीवी से क्राइम को प्रिवेंट करने में, क्राइम होने के बाद डिटेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहूलियत मिलती है। दुर्ग पुलिस लगातार साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से लोगों को पकड़ रही है। सभी चोरों के जो सीसीटीवी फुटेज है वो हम मीडिया से शेयर कर रहे हैं, जिससे कि ये न बता पाए कि हमें गलत पकड़ लिया है। लेकिन फिर भी जिस तरह से बाहरी लोग आके चोरी को अंजाम दे रहे हैं, ये चिंता का विषय है। सभी सोसाइटी, RWH, मोहल्ले, उनको जरूरी है कि जो उनके यहाँ लोग घूमते हैं फेरी वाले, सस्ता खरीदने सामान खरीदने के चक्कर में उनका सोसाइटी जो है वो खतरे में आ रहा है। जब भी किसी सोसाइटी में कोई फेरी वाला दिखे, उससे
थाने का जो इन्फॉर्मेशन है वो लेटर चेक कराए, ना होने पर उसकी सूचना पुलिस को दे, जिससे पुलिस इन चोरी वालों पर कार्रवाई कर सके। लगातार चोरी पे जो है दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस 5 घटनाओं का इसमें खुलासा हुआ है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। 12,000 जो है नगद रुपए, चांदी के सिक्के, सोने के ज्वेलरी टुकड़े और घटना है प्रयुक्त साइकिल और ये सामान तोड़ने वाला, इसको जो है जब्त किया गया है। ECCU की कार्रवाई है, थाना 15।